कर देता हूँ, जैसे लेके चलता हूँ। आपका शुभ नाम सर? योगेंद्र शर्मा। अच्छा मौसम का मजा आ रहा होगा, ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू बी इन। आपको एक हल्का सा बता दें, सामने जो आपने नाम सुना है टोरोलिंग है सामने। ओके, आप नाम सुनते हैं या आपके सामने टोरोलिंग है? सब बाकी सब करेंगे, लेकिन ऐसी जगह पे खड़े हैं आप कि जहाँ पे हर तरफ हिस्ट्री है, टाइगर हिल सब पूरा यही है सब कुछ, ठीक है। तो आप देखिए सबको, यहाँ पे लड़ाई हुई थी, यहाँ पे पहले आरटी गन वगैरह लगती थी। तो मोनपा का ब्रीफिंग बनना चाहिए, ब्रीफिंग रही था फिर, और जो भी डाउट होता है पूछिएगा अच्छे से, ऐसा मौका रोज ही मिलता है, ठीक है। मैं नायक सुबेदार मस्तान वाली 28 मद्रास, कारगिल वार मॉडल का जीएसओ इंचार्ज हूँ। 56 माउंटेन ब्रिगेड तरफ से आप सभी को इस कारगिल वार मॉडल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कारगिल वार मॉडल को नवंबर 2004 में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसे विजय पथ के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो विजय पथ के दाहिने और बाएं ब्रेव हार्ट्स के दो परमवीर चक्र और 6 महावीर चक्र के बस्ट को डिस्प्ले किया है, जो कि नेशनल हिस्ट्री गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, नेशनल सेकंड हिस्ट्री गैलेंट महावीर चक्र, जो ऑपरेशन विजय में शहीद हुए उन्हीं के बस्टों को डिस्प्ले किया है। आपके बाह्य MiG-21 को डिस्प्ले किया है। ऑपरेशन सफेद सागर में स्क्वाडन लीडर अजय ओझा ने फ्लाई किया MiG-21, क्रैश होने के कारण उन्हीं के स्क्वाडन के दूसरे MiG-21 को डिस्प्ले किया है। स्क्वाडन लीडर अजय ओझा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आप जिस रास्ते से आए हो, नेशनल हाईवे 1 डेल्टा, जो कि J&K का लाइफलाइन माना जाता है, आपके सामने नेशनल फ्लैग के ठीक पीछे जो पहाड़ी नजर आ रहा है, नाम टोरोलिंग। 1999 में पाकिस्तान के 100 सैनिकों ने घुसपैठ करके डिफेंस को इख्तियार किया था, वहीं से नेशनल हाईवे 1 डेल्टा पे आर्मी कॉन्वॉय सिविल ट्रांसपोर्टेशन पे प्रभावशाली फायर डाल रहा था। इसको वापस लेने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडर्स को सौंपा गया था। 18 ग्रेनेडर्स ने 22 मई 1999 को ऑपरेशन को लॉन्च किया। 3 जून 1999 तक ऑब्जेक्ट के नजदीक एक फार्म बेस बनाने में कामयाब रहा। ये दो है जो हमारा देश के भारत माता धरती को वापस अपने जान को कुर्बान कर दिया, ये दो उन्हीं के बस्ट है। आपके सामने दाहिने और बाएं 75-24 पैक हो जाएगा। हल्का वजन होने के कारण अलग अलग हिस्सों में डिसम्बल करके म्यूल से हेलीकॉप्टर में एंडस लेकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। 1971-1999 के ऑपरेशन इंडियन गनों का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। आपके सामने जो दिया प्रज्वलित हो रहा है उसे अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान करें, जो कि अमर जवान ज्योति के ठीक नीचे एक ब्लैक कलर का जो ग्रेनेट आपको जो नजर आ रहा है, जो कि मखनलाल चित्रविद्र जो लिखा हुआ फेमस पोएम पुष्प की अभिलाषा जी, उस लेफ्ट साइड में पेटल्स रखा हुआ है, फ्लावर्स रखा हुआ है, उस ग्रेनेट के पास आप लोगों को पुष्पांजलि कीजिए। जो मखनलाल चित्रविद्र जो लिखे जो फेमस पोएम रॉकेट आपको आगे बढ़ते जाइए, जो दूसरा टॉप उसके ऊपर थोड़ा हल्का सा बादल नजर आ रहा है, सफेद सा बादल रेनोहान। बत्रा टॉप जो सामने वाले पहाड़ी के देने जो बादलों के साथ ढका हुआ है, बत्रा टॉप जिस जगह पे, इसी जगह पे अपना शेरशाह की शहादत हुई थी, जो कि हम 0.48 सनफे को बत्रा टॉप के नाम से बुलाया जाता है। अब पूरे से आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग फेस मेमोरियल की साइड करके खड़ा हो जाइए, जीवन के साथ जीवन आपको ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दिया जाएगा। शहीदों की जिदों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही वाक्य निशा होगा। नमस्कारम, मैं सिपाही जीवन 28 मद्रास 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध के वीरों की याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी।
अब जिस रास्ते से आया है उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम टोलोलिंग। टोलोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। यदि आप अपनी नजर पूरा बाय दूस कलम पर ले जाए तो वहां दो ऊंची निकली चोटियां नजर आती है जो कि अभी बादलों से ढका हुआ है। उसमें दाहिने वाली ऊंची निकली चोटी जो कि त्रिकोण के समान है, नाम टैगर है। टैगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टैगर हिल की बाएं दूसरी निकली चोटी नाम राइनहॉर्न। राइनहॉर्न की बाएं उसी रिजलैंड पर एक और ऊंची टॉप नाम 0.48 सन पर के करीब 100 सैनिक थे। ये उनकी द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था जिससे NH1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो चुका था। 22 मई 1999 को टोलिंग पर को कैप्चर करने का टास्क 18 रेडियस 2 रचदार राइफल्स और 18 गढ़वा राइफल्स को दिया गया। 13 जून 1999 को 2 रचदार राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए फिर से टोलिंग पार्ट पर तिरंगा फहराया। नमस्कार साहब, श्रीमान ब्रीफिंग समाप्त। ओके, नाउ यू कैन सी द टाइगर। दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एयर शूटर सूबेदार जीतू राय को प्रेजेंट किया था। वहीं से ऑल स्पोर्ट्समैन जो कि इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशन विजय के वार हीरोज पूरा मिलकर 11 सिटीज को क्रॉस करते हैं। 26 जुलाई 2019 में उसको कारगिल वार में प्रेजेंट किया है। आपके पीछे आपके सामने 6 ब्लैक बोर्ड्स को डिस्प्ले किया है जो कि मैंने आपको वॉल ऑफ फेम के मैंने आपको दिखाया था। 559 ब्रेव हार्ट्स के नाम उसको डिस्प्ले किया है। लड़ाई शुरू हो गया, आर्मी को मुगले आराम से मूव कर सकते हैं इसलिए उस जोजा टनल को बना रहे हैं। ठीक है सर, इसलिए इस कारगिल वार मोर को इस जगह पे बनाया गया है जो भी VIPs विजिटर साथ उनको नंगे अंगों से इस लड़ाई के मेन मेन फीचर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। इसलिए इस कारगिल वार मोर को इसी जगह पे चुना गया, इसी जगह बनाया गया। सिस्टम क्या